हाँ सो अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू इज नॉट सल्क अपॉन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, बट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट दैट डिड नॉट लेट यू क्लियर द एग्जाम और डिड नॉट लेट यू स्टडी एज मच एज यू वॉन्टेड टू. सो फाइंड योर वीकनेसेस, राइट, कि कहाँ मैं अटक जाता हूँ, कहाँ अटक जाती हूँ. इफ यू हैव सम प्लान बी गोइंग ऑन इन योर माइंड इन पैरेलल और उसकी वजह से दोनों ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. समबडी कीप्स लुकिंग फॉर समथिंग और द अदर, कि ये वाला एग्जाम दे देते हैं, वो वाला एग्जाम दे देते हैं. फिल द फॉर्म फॉर नाउ, प्लान इट इन द मैनर कि अगले 4-5 महीने में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, राइट. वन एग्जाम मे बी ओके, बट एनीथिंग मोर देन दैट विल क्रिएट डिस्ट्रैक्शंस. इफ यू आर हेयर ओनली फॉर सिविल सर्विसेज, देन फोकस ऑन दैट फर्स्ट एंड ट्राई टू पिकअप एन एग्जाम विच इज अलाइंड विद द सिलेबस और समथिंग लाइक दैट. अगर आप अगले 5 महीने में इफ यू पिकअप 2-3 एग्जाम्स एडिशनली, देन इट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली, यू विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन दिस इज मच. और अगर आप इस पे फोकस कर रहे हो तो उस एग्जाम के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे एनी डे. सो अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. मे बी वन एग्जाम यू कैन पिकअप, यू हैव टू फाइंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट. पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि यार मेन्स का नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स निकाल के क्या करेंगे. ये सबसे बड़ी बेकूफी वाली बात है. अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी सेइंग कि सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेन्स, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स. अभी करके तो दिखाओ एक बार, ठीक है. खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आएगा, दे विल बी हैप्पी टू पे यू मोर सो दैट यू कैन पे अस मोर. जनरली आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक बार कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा कि ओके गाड़ी आगे बढ़ी मेरी. और 120 दिन मिलते हैं, अंडरस्टैंड दैट यू गेट 120 डेज अगेन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. वी कैन डू वंडर्स इन दोस 120 डेज इफ यू प्लान प्रॉपरली वन मोर टाइम. बट फॉर प्रीलिम्स दीज आर द ओनली 150 odd days दैट आर लेफ्ट. दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक. यू विल स्टिल गेट 120 डेज वन मोर टाइम फॉर मेन्स. उसमें प्रीलिम्स का थोड़ी पढ़ोगे, तो अभी प्रीलिम्स के टाइम मेन्स का क्यों पढ़ रहे हो. फर्स्ट सिक्योर योर प्रीलिम्स, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स लेट मी फोकस कंप्लीटली ऑन माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन. वंस आई गेट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देन आई कैन अगेन स्टार्ट विद माई ऑप्शन, देर इज नो प्रॉब्लम. कहीं किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि अप्रैल में ऑप्शन नहीं पढ़ सकते. इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट. इन अप्रैल, मे, मार्च यू विल पुश योर सेल्फ टू 10-11 आवर्स. You can always devote 3 hours to your optional and 8 hours to your GS and prelims. There's no problem there. And it will only be revision stage at the time if you stick to the plan right now. Jan, Feb mein sab ho jayega aapka if you stick to the plan. It will mostly be the revision stage. March 10 tak chala jayega maximum, uske aage nahi jayega. So you can always pick up your optional along with your GS revision. There's no problem there. But abhi dono ko juggle karoge ki abhi kar lete hain optional pehle, kyunki abhi pressure kam hai. राइट, आगे वो प्रेशर ही हैंडल नहीं होगा प्रीलिम्स करने का. सो डोंट डू दीज थिंग्स ऑल्सो. अगर आपको करना भी है मेंस का प्रिपरेशन, इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रीलिम्स जीएस प्रिपरेशन और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन. यू डू ऑल योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, फिनिश योर डेज टास्क, उसके बाद जितना मेंस का पढ़ना है पढ़ो, किसने मना नहीं किया. बट दैट टाइम शुड नॉट कम आउट फ्रॉम योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. मेंस के लिए पढ़ने को कोई मना ही नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन. अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पे अलग ही नैरेटिव चलता है पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में. मेंस पढ़ो, मेंस पढ़ो, मेंस पढ़ो. 4 साल यहीं रह जाते हैं मेंस पढ़ते हुए, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स पढ़ लिया तो निकल जाएंगे ना, ठीक है. पेपर निकालना है एंड इट इज अ डिफरेंट फीलिंग टू राइट मेंस, ट्रस्ट मी. जब आप पहली बार मेंस लिखने जाते हैं आपको पता चलता है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर. अभी तक तो बकर चल रही थी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज दैट इज द डिमांडिंग एस्पेक्ट ऑफ द पेपर, राइट. सो यू विल नॉट प्रिपेयर फॉर योर मेन्स एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन ओवर द नेक्स्ट 5 मंथ्स. इफ यू आर स्पेंडिंग 8-9 आवर्स ऑन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन टू फिनिश द डेज टास्क, यू डू व्हाटएवर यू वांट इन द रिमेनिंग 13-14-15 आवर्स ऑफ योर डे. वी डोंट केयर, ठीक है. बट पहले प्रीलिम्स प्रायोरिटी है अब गोइंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग टुमारो, राइट. फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू बी गिवन टू प्रीलिम्स एंड देन यू प्रिपेयर फॉर मेन्स in your extra time, in your extra effort. Same applies with any other exam also that you're preparing. First priority to prelims, in the remaining time you prepare for the other exam. You cannot feel ki yaar 8 ghante to padh hi raha hu main din ka. Agar aapne ek added task apne sir pe liya hai in form of another exam, then you have to devote additional time to that. Again, that time cannot come out of your prelims preparation. Because it's your personal goal. You have to stretch a little bit extra for your personal goal. ठीक है, यूपीएससी इज अ कलेक्टिव गोल ऑफ दिस क्लास. एवरी सिंगल वन ऑफ यू शुड बी राइटिंग मेंस. क्या पता एक ही सेंटर में बैठे हो, ऐसा बहुत होता है. पिछली बार बहुत हुआ हमारे बच्चों के साथ, एक ही सेंटर में 5-5 बच्चे बैठे हैं,
इनफैक्ट एक ही क्लास में पांच पांच बच्चे बैठे, साथ में बैठे. सो दैट इज वॉट वी वॉन्ट, इट्स अ कलेक्टिव थिंग. जितना एक दूसरे की हेल्प करेंगे बाकी लोगों को बीट करने में मजा आएगा. प्रीलिम्स में, मेंस में अपना अपना करना है क्योंकि मेंस में आपस में भी कंपटीशन है. ठीक है? सो अगेन, डू नॉट वरी अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. यूज दैट एज अ लर्निंग, राइट? व्हाट इज माय बेस्ट टाइम टू स्टडी, व्हाट इज माय माइंडसेट वेयर आई यू नो शाइन बेटर व्हेन आई हैव टू स्टडी. ऐसा क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में जो पढ़ने से रोक देता है? दैट कैन बी अ पर्सन, दैट कैन बी सम पर्टिकुलर इवेंट, दैट कैन बी सोशल मीडिया. इफ देयर इज अ फ्रेंड, अरे यार तू तो बदल गया, टाइम ही नहीं देता आजकल, उनका भैया बाद में मिल लेंगे, 5 महीने बाद मिलेंगे, हेलो बोल के आ जाएंगे 5 महीने बाद, सॉरी बोल देंगे साथ में. कट आउट दोज फ्रेंड्स हु आर गिविंग यू ऑल दिस ग्रीफ कि कितना पड़ेगा, अरे पढ़ता ही रहेगा क्या, अरे कितना पड़ेगा. ऐसे नहीं चाहिए मुझे दोस्त अभी के लिए, सारा आज ही पढ़ लेगा, तू ही पढ़ लेगा, बाकी के लिए भी छोड़ दे. ठीक है? ये सब नहीं चाहिए, वी डोंट वांट ऑल दिस. नेक्स्ट 5 मंथ्स सिर्फ तुम्हारे हैं. ठीक है? नोबडी कैन गिव यू दैट ग्रीफ, नोबडी कैन मेक यू फील गिल्टी बिकॉज यू आर स्टडिंग एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू गिव देम टाइम, बी इट योर फैमिली, बी इट योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये नेक्स्ट 5 मंथ्स विल डिफाइन हाउ दिस ईयर विल गो. इट कैन ट्रूली बी अ हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है? और मैं इतना पेपटॉक इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग लगा होगा मेरा वेस्ट इंटरेस्ट ऑब्वियसली है, समाज सेवा के लिए नहीं खड़ा हूँ मैं यहाँ, है ना. पीपल पीपल स्टार्ट कमिंग इन सेइंग कि सर अब तो थोड़ा सा पैसा कमाने के मोड में लग गए हैं. ऑब्वियसली समाज से भाई घर भी चलाना है, तो समाज सेवा नहीं है, है ना. बट इफ माई एफर्ट ऑफ मेकिंग मनी इज अलाइन विद योर एफर्ट ऑफ बींग सक्सेसफुल, वॉट इज द प्रॉब्लम? सिंपल इज दैट. क्योंकि मैं भी पैसा तभी बनाऊंगा जब आप सक्सेसफुल होंगे. मेरे स्टूडेंट्स फेल होते रहे और मैं पैसा बनाता रहा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है इस इंडस्ट्री में. सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम देयर एंड आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दैट ऑल्सो, है ना. वी हैव डीमोनाइज्ड एंटरप्रेनर्स अ लॉट इन दिस कंट्री, कैपिटलिस्ट अ लॉट इन दिस कंट्री, एंड दैट इज वाई वी आर हेयर टूडे. सो आई वॉन्ट टू ओपन योर ब्रेन्स देयर एज वेल कि भैया कैपिटलिज्म इज गुड, उसी से ग्रोथ होती है लाइफ में. सिंपल. ठीक है? नौकरियां तभी आएंगी, राइट? एनी हु, सो पढ़ते हैं, बहुत सीरियसली पढ़ते हैं. प्लीज फॉलो द टारगेट्स, प्लीज फिल दैट शीट एवरी सिंगल डे. जो एक हफ्ते में शीट फिल नहीं करेगा उससे बात करी भी जाएगी. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं. फिल्टर आउट होते रहेंगे लोग जो नहीं पढ़ेंगे. एक दो हफ्ता पुश करेंगे, एक महीना पुश कर लेंगे, उसके बाद वी आर ऑल्सो हेल्पलेस. आप फर्स्ट वीक नहीं पढ़े विल पुश यू, सेकंड वीक नहीं पढ़े विल पुश यू, थर्ड वीक नहीं पढ़े विल पुश यू, फोर्थ वीक नहीं पढ़े विल पुश यू, आफ्टर दैट विल स्टॉप पुशिंग यू ऑल्सो दैट यू डोंट वांट टू स्टडी. सिंपल, राइट? यू कैन नॉट बिकम एन आईएएस बाय एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक्सटर्नल कोअर्शन, द ड्राइव हैज टू कम फ्रॉम विद इन. एक महीना पुश करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, हम भी फिल्टर आउट हो जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे. सिंपल इज दैट. लिस्ट में, राइट? जो पढ़ता रहेगा उसको सपोर्ट मिलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं. यू कीप स्टडिंग, यू कीप क्लियरिंग योर डाउट्स, यू कीप फिगरिंग आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. नहीं पढ़ोगे तो कैसे हेल्प कर देंगे? सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि पढ़ना तो है, एवरी सिंगल डे पढ़ना है. अपने आप के बारे में खराब फील हो रहा हो सो कुछ पॉजिटिव भी सर्च कर लो. 2023 में कुछ पॉजिटिव हुए हैं लाइफ में, अगर कुछ हुए हैं तो. कोई अच्छे दोस्त ही बन गए, भाई की शादी हो गई, और तो कुछ है नहीं लाइफ में, उसी में खुश हो जाते हैं, बहन की भी. ठीक है? या मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया है, लाइफ अच्छी चल रही है, यू कैन फाइंड सम पॉजिटिव बिग डील. हेल्थ फिटनेस इंप्रूव कर ली मैंने अपनी, सुट्टा भी ना छोड़ दिया, दारू भी नहीं छोड़ दी. समथिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक योर सेल्फ फील गुड एज वेल. और अगर कुछ भी नहीं है कि उल्टा ही चल रहा है, सुट्टा भी शुरू कर दिया, दारू भी शुरू कर दी, हेल्थ भी खत्म हो गई लाइफ में, पड़े हैं कहीं कोने में, कोई बात नहीं, न्यू ईयर है, नई शुरुआत करेंगे. ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, राइट? सो अंडरस्टैंड, फाइंड मोटिवेशन वेर एवर यू कैन. दैट मोटिवेशन कैन बी एनीथिंग. फाइंड द ड्राइव वेर एवर यू कैन. अगर आपको नहीं पता है आप यहां क्यों हैं, आईएएस क्यों बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता.
ठीक है, इफ इफ योर मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम कि यार आई विल हैव अ लॉट ऑफ पावर, दैट इज ऑल्सो ओके. इफ योर मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज ऑल्सो ओके. वी डोंट केयर राइट नाउ. राइट नाउ ऑल वी केयर इज दैट देयर शुड बी द ड्राइव एंड मोटिवेशन. कुछ कहीं से भी ड्राइव हो रही हो, बाद में ठीक कर देंगे आपके लॉजिक कि पैसे नहीं बनाने बहुत सारे जब तक मुझे 20% ना दो. ठीक है, वो सब ठीक कर देंगे बाद में. बट अदरवाइज, सो वेर एवर यू कैन फाइंड द ड्राइव दैट मोटिवेशन, चाहे यही कि यार कुछ नहीं, मैं घर वालों को प्रूव कर दूं कि 1 साल और रह पाऊंगा यहां पे, प्री निकल गया मेरा, दे विल स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू मी नाउ. इफ दैट इज द मोटिवेशन, डजंट मैटर, वी हैव टू फाइंड द मोटिवेशन टू क्लियर दिस एग्जाम, एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेज फॉर नाउ. लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट बनाने का ही नहीं है. इन एनी पेपर एज आई सेड 85% स्कोर नहीं हुआ है, यू हैव टू गो बैक इमीडिएटली एंड चेक. स्टार्ट गेटिंग इन टू द हैबिट ऑफ एनालाइजिंग योर पेपर इमीडिएटली, एज इन नॉट इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट, मे बी द सेम डे इन द इवनिंग, एंड स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट एट द टेस्ट सेंटर. स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग टाइम. शाम तक हम ऑलरेडी थके हुए होते हैं, वी आर ऑलरेडी टायर्ड, आवर ब्रेन विल नॉट फंक्शन एज एफिशिएंटली एज इट इज सपोज टू बी. आधी चीजें ऐसा होता है छोड़ यार मन नहीं कर रहा है, छोड़ यार खत्म करना है फटाफट. विद अ फ्रेश माइंड व्हेन यू टेक द टेस्ट यू परफॉर्म बेटर, एंड देन इन द इवनिंग यू हैव टाइम टू एनालाइज योर मिस्टेक्स ऑल्सो. वील टेल यू हाउ टू लर्न, हाउ टू एनालाइज योर पेपर्स एज वेल. आप लोगों को एनालिसिस करना भी नहीं आता है, ठीक है, एनालिसिस में होता है ये इतने सही इतने गलत, ये होता है एनालिसिस, वो भी नहीं करना है. वील टेल यू हाउ टू एनालाइज, ठीक है, विद एवरी पेपर वील गिव यू दैट लिस्ट ऑल्सो कि कौन से होने चाहिए थे, कौन से नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है. बट कोई दिक्कत नहीं है का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ ही देंगे परमानेंटली. वंस दे हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू द नेक्स्ट टाइम इफ दे आर कमिंग एट लीस्ट दैट शुड बी डन. यू हैव टू बी बेटर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेस्ट पेपर इज वेल. जो क्वेश्चन नहीं आते थे बिल्कुल, एटलीस्ट इफ नेक्स्ट टाइम देर इज अ क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक इन अनदर टेस्ट, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट. एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर करंट अफेयर्स. ठीक है, दैट इज हाउ यू कीप एडिंग योर नॉलेज, कीप एडिंग टू योर नॉलेज बैंक ऑल्सो. सो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, ज्यादा नहीं. सबसे बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट डू नॉट फील बैड if you have wasted time in 2023. Stop worrying about that. Let's make the best of the next 5 months. Sir, reading newspaper always helps. ठीक है, हम लोग डेली वो एक वो बना रहे थे न्यूज का, अनिमेश सर बना रहे थे. अभी उनका 11th को इंटरव्यू हो जाएगा, वो 12, 13 से फिर शुरू हो जाएंगे, फिर वो रेगुलर भी रहेगा. बट एनी वे, अदर देन दैट, वी आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ सेशंस फॉर करंट अफेयर्स एनी वे. पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यू हैव टू गेट यूज टू ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो. बट डू नॉट स्पेंड मोर देन 45 मिनट्स, घड़ी देख के 45 मिनट्स स्पेंड करना है. इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू रीड द एडिटोरियल फॉर नाउ, फॉरगेट अबाउट दैट. ट्राई टू लर्न एंड फाइंड आउट प्रीलिम्स बिट्स, एडिटोरियल वगैरह बाद में मैनेज कर लेंगे. बट इफ यू कैन रीड इट, नथिंग बेटर देन दैट. हाँ बिल्कुल, वो जो मैं मैगजीन के सेशन लूंगा उसमें वही फंडा रहेगा, कितना डीप जाना है. राइट, टू गिव यू एन आइडिया, द बेसिक पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीवाईक्यूज, कि पीवाईक्यू में कितना डेप्थ पे पूछते हैं. इफ यू आर डूइंग एनवायरमेंट करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम्पल, पिक अप ऑल द एनवायरमेंट पीवाईक्यू स्पेशली ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स. डोंट वरी अबाउट वॉट वॉज आस्ट 15 ईयर्स अगो, डोंट वरी अबाउट वॉट वॉज आस्ट 10 ईयर्स अगो. पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसमें अगर 5 में से एक बार क्वेश्चन आया है इन अ लिटिल डेप्थ, विच इज अ लिटिल मोर डेप्थ देन ऑल द अदर क्वेश्चंस, उस चीज को छोड़ सकते हैं. यू कैन नॉट प्रिपेयर टू दैट डेप्थ एवरी सिंगल टॉपिक आफ्टर दैट. अगर एक बार आया है, अगर इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 2-3 साल में एक बार आ ही जाता है और उसी डेप्थ में पूछते हैं, तो वी गो टू दैट डेप्थ फॉर दोज टाइप ऑफ टॉपिक्स ओनली, नॉट फॉर अदर एरियाज. अगेन यू हैव टू फर्स्ट, जब लैपटॉप नहीं थे तब भी करते थे लोग, पहली बात. सो कीप द पीवाईक्यूज ऑन योर साइड, नंबर वन. व्हेनेवर यू आर डूइंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले 2 दिन पीवाईक्यू पढ़िए या 1 दिन पीवाईक्यू पढ़िए. ट्राई टू सेग्रीगेट देम ऑन योर ओन, दिस इज ऑल्सो डिफरेंस. व्हेन यू पिक अप अ रेडीमेड बुक, यू आर नॉट पुटिंग योर ब्रेन एंड योर एफर्ट इन सेग्रीगेटिंग, यू डोंट रिमेंबर अ लॉट, क्योंकि वो बुक में सेग्रीगेट है, वो बुक की तरह पढ़ रहे हो आप. But when you are segregating things on your own,
आप एफर्ट मारते हो, यू रिमेंबर बेटर कि अच्छा यार इसमें इतने क्वेश्चन थे, मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने हाथ से सेग्रीगेट किए, स्पीशीज के इतने क्वेश्चन थे, हर साल इतने क्वेश्चन थे. व्हेन यू डू दैट ऑन योर ओन यू अंडरस्टैंड द पेपर बेटर इन द फर्स्ट स्टेप. एंड देन व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी स्पीशी का क्वेश्चन, यस और एनी स्पीशी का न्यूज, यू नो कि यार चार पांच क्वेश्चन थे मुझे याद है, उसमें इतना ही पूछते हैं, लेट मी रिमेंबर दैट. ऑल्सो लर्न द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक दैट यू आर रीडिंग एंड द अदर टॉपिक्स दैट आर एसोसिएटेड विद दैट. मैंने शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया होगा, हम स्पीशी पढ़ना शुरू करते हैं, हम भूल जाते हैं दैट वी आर प्रिपेयरिंग द स्पीशी एंड नॉट एवरीथिंग अराउंड इट. वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द स्पीशी, क्या पता होना चाहिए स्पीशी के बारे में? नंबर वन स्टेटस, IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वेयर इज इट फाउंड. थर्ड इज इट एंडेमिक टू इंडिया और नॉट, यस एंड वॉट एल्स, वेयर इज इट फाउंड. साइंटिफिक नेम नहीं चाहिए सर, कौन पूछता है साइंटिफिक नेम? अगर एक बार पूछा भी है आई विल चक इट. कैसे याद करोगे साइंटिफिक नेम? पढ़ने में नहीं आते वो, याद कैसे होंगे? प्रोनाउंस नहीं हो पाता वो आधे घंटे तक. बिहेवियर एंड ट्रेड्स भी मैडम ज्यादा नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने बोला कि अगर एक बार पूछा है कि ये स्पीशी नॉक्टर्नल है या वो स्पीशी नॉक्टर्नल है, राइट? नाउ यू डोंट गो अहेड एंड स्टार्ट रीडिंग फॉर एवरी स्पीशी इफ इट इज अ नॉक्टर्नल स्पीशी और नॉट एंड व्हाट स्पीशी कैन होल्ड अ स्टिक इन हिज हैंड. ये भी नहीं पढ़ना है. दीज आर कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन. आई गेव यू एन एग्जाम्पल, आई थिंक द लास्ट क्लास ऑल्सो आप ही को दिया था एग्जाम्पल मैंने कि भैंस के ऊपर कौन चिड़िया बैठी है, दिया था ना मैंने. दीज आर कॉमन सेंसिकल कॉमन नॉलेज क्वेश्चंस दैट दे एक्सपेक्ट यू टू नो. मे बी नॉट एवरीबडी वुड नो दैट, बट यू कैन नॉट रियली गो अहेड एंड लर्न दैट फ्रॉम द बुक इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है, चार ऑप्शन की भाई कौन सा स्पीशी स्टिक पकड़ता है वह फेयरली इजी ऑप्शन यार. स्लॉथ बियर और एंगेटैंग और एक दो जो ऑप्शन और भी थे, समवेयर ऑर द अदर यू हैव सीन दैट पिक्चर विक्चर कहीं देखी है आपने सबने. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू जज कि यार किसके हाथ में बस की है पकड़ना, राइट? सबको पता है ओरंगउटांग क्या होता है ना? तो कैसे हम ऐसी चीजें मिस कर सकते हैं? और आपको कैसे लगता है कि ये पढ़ के आएगा? ये एक दिन की नॉलेज से पढ़ के नहीं आ सकता है. इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन एंड जनरल नॉलेज दैट यू एक्वायर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन टाइम इन योर लाइफ इन जनरल. ठीक है, जैसे मैंने बोला वो बफलो के ऊपर कौन सी चिड़िया बैठी है किसी बुक में नहीं है वो, या यूपीएससी किसी बुक में नहीं पढ़ोगे आपको, बट दे वास स्टार्ट. इट्स नॉट लाइक वो न्यूज में आया होगा कि आज ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आज तक एक चिड़िया बैठी थी अब दो बैठी दिखी. ऐसा नहीं है, कॉमन नॉलेज. सो देर आर सर्टेन क्वेश्चन विच आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एज अ कॉमन नॉलेज, सो उसमें इमोशनल नहीं होना है, दैट इज अ पॉइंट. ठीक है, सो डेप्थ एक लिमिट तक फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, एज आई वाज सेइंग कि स्पीशी के बारे में इतना आपने, चलिए नेशनल पार्क देख लिया. अब प्रॉब्लम कहां आती है, आप लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, स्पीशी भूल गए अब आप वो नेशनल पार्क पढ़ना शुरू कर देते हैं उसी में विद इन दैट टॉपिक. नेशनल पार्क वॉज नॉट इन न्यूज, इट वॉज अ स्पीशी दैट वॉज इन न्यूज. 9 out of 10 times यूपीएससी विल आस्क अबाउट द स्पीशी बिकॉज इट वॉज इन न्यूज, नॉट इन द नॉट अबाउट नेशनल पार्क दैट द स्पीशी वॉज फाउंड इन. तो आप नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, नेशनल पार्क में कौन सी नदी जा रही है, कौन से पहाड़ हैं, कौन से पेड़ मिलते हैं, कौन से पत्ते मिलते हैं, सब पढ़ने लग जाते हैं, है ना? और दैट मेक्स योर प्रिपरेशन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग आफ्टर दैट, क्योंकि अब आप भूल चुके हैं, पढ़ स्पीशी रहे थे, आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल पार्क के बारे में. सो लर्न द डिफरेंस, इफ नेशनल पार्क इज इन न्यूज देन रीड अबाउट नेशनल पार्क, इफ द स्पीशी इज इन न्यूज यू डोंट रीड अबाउट द नेशनल पार्क अलॉन्ग विद इट. फिर वो नदी के बारे में पढ़ोगे, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पेरिनियल है कि नहीं है, वेयर डू यू स्टॉप? सो दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग करंट अफेयर्स. यू हैव टू रीड अबाउट द फर्स्ट न्यूज, नॉट इट एसोसिएटेड थिंग्स, अंडरस्टैंड, राइट? फिर जैसे वो जैनिज्म बुद्धिज्म का एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि वो 13 पंथी पूछ लिए थे उसमें 2018-19 में. It was because it was in current affairs, people, not because it was part of the syllabus. है ना? यहाँ पे कोई मेहनत का पेपर नहीं हो रहा है कि सारे ही धर्म के बारे में आपको इनडेप्थ पता हो, है ना? मंदिर पुजारी का पेपर नहीं है, उसका टाइम भी आएगा,
हो रही है रिकॉर्डिंग, उसका टाइम भी आएगा, बट अभी नहीं है उसका टाइम. राइट, सो यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरी रिलीजन. इट वॉज इन न्यूज, दैट्स वाई इट वॉज आस्क्ड लाइक दैट. अंडरस्टैंड. चलिए, एनीवे, इनफ ज्ञान, अब पढ़ाई करते हैं. सो टेस्ट में जितने लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी फील हुई है, प्लीज कम एंड मीट स्टार सर. यस, उनका नाम स्टार है. डिस्कस योर डाउट्स. अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो मेरे पास आइए, ठीक है. इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन. व्हाट इज इट दैट आई डिड नॉट डू? अ लॉट ऑफ पीपल कुड डू 35, 37 क्वेश्चंस करेक्ट, बट नॉट इन टाइम. थ्रू आउट द प्रोसेस इन द लास्ट 9 क्लासेस 8 क्लासेस वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज और व्हाट द क्वेश्चन इज, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन अंडर अ मिनट. दैट मीन्स 30 क्वेश्चंस शुड हैव बीन सॉल्व इन एटलीस्ट 45 मिनट्स, not in 2 hours. So we have to come to that level also. ठीक है, वो भी समझने की जरूरत है. तो ये दोनों चीजें you have to understand. उसके बिना मजा नहीं आएगा. So don't again feel proud कि मैंने कर लिया 35 questions correct. If specially आपने वो 35 questions in time नहीं करे, ठीक है. और दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल नहीं है. 2015 में जब सीसैट खत्म हो गया था काउंट होना, तो 15 में मैंने भी गिव अप मार दिया था कि अब तो नहीं होगा मेरे से जीएस कभी क्लियर, मेरा प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं होने वाला है. राइट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स जीएस में 36 नंबर थे मेरे और सेकेंड अटेम्प्ट में 63, पलट दिया था मैंने, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था मैं, ठीक है. बट देन क्योंकि वो खत्म हो गया था, आई लेफ्ट एवरीथिंग एल्स फॉर द 5 months स्टार्टिंग जनवरी टिल मई, या जब भी पेपर था, आई डोंट रिमेम्बर. लास्ट 5 months 6 months में मैंने बहुत एफर्ट मारा कि भैया सब छोड़ता हूँ, देखता हूँ एक बार करके, नहीं तो छोड़ दूंगा. एंड आई कुड स्कोर 120+. और मैंने कुछ भी वो नहीं किया था जो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को. देर वॉज नो एक्स्ट्रा बुक. अब आप लोग बोलोगे सर उस टाइम तो पेपर ईजी आते थे, सबको अपने टाइम में पेपर ईजी लगते हैं, अपने टाइम का पेपर टफ लगता है, क्योंकि रिसोर्सेज उस तरह की अवेलेबल होती है, एक्सपोजर उस तरह का अवेलेबल होता है, ठीक है. सो पेपर वॉज नेवर इजी. एंड अगेन कॉम्पिटिशन तो उतने लोगों में, और पहले के बच्चे तो ज्यादा सिंसियर थे, पहले के एस्पिरेंट्स एक समझाओ तो 10 अपने आप समझ लेते थे, बाकी यहां 10 समझाओ तो 1 समझते हैं, है ना. सो वो भी एक इशू है. चलिए, एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे हम, कोई प्रॉब्लम फेस करी एलसीएम एचसीएफ में, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. ये सब तो कर लिया था बेसिक, तो इसमें पता है हमें फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस क्विकली. क्या नंबर होगा जल्दी से बता दीजिए, बिना लिखे बिना देखे, मतलब देख के बट बिना लिखे. व्हाट विल बी द एलसीएम? देखो कॉन्फिडेंसली नहीं बोल रहे हैं, शो सम कॉन्फिडेंस पीपल. 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2. Yes? Anyone, any doubt in this? No. What is the HCF now? 2 ki power? 2 square. 2. 2 square. 3 ki 3 power? Square. 2. And 7. Sabko clear hai ye? LCM HCF clear ho gaya sabko? Very good. Yes, chaliye. Theek hai. Ye to ho gaya tha. 3 number ka bhi nikaal hi lenge. Ye kya kiya tha humne? Do you remember? What did we do here? इसमें क्या एलसीएम की जरूरत भी है बिल्कुल भी? डू वी रिक्वायर एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम इन दिस टू फाइंड एन आंसर? डू वी रिमेंबर दिस? इन दोनों का एचसीएफ लिया था हमने सर, 3600 वाज व्हाट, 36 × 200, राइट. तो 3² × 2² × 5² है ना. तो बेसिकली 2³, ये भी तो 2 है, 2² × 5² होगा सर 100 का. ओ यार क्या बात कर रहे हो, 6 × 6 = 36 है ना यार, दिस इज 6 × 6 × 2 × 25, राइट. यस, तो 2³ हो गया ना दोस्तों, हैं. सो 4 × 4 होगा ना, तो 2 की पावर 4 हो गई ना, ठीक है. सॉरी 36 इज देन 2 raised to power 4, 3 raised to power 2, 5 raised to power 2, yes, and 3 to 4 0 is what? ये कितना हुआ?
क्या किया ये, 8 से डिवाइड कर लो ना, 8 चौक 32 एंड 8 पंजे 40, 8 × 4 = 5। सिंपल। फिर फर्दर 5 से डिवाइड कर लो इसको, कितना हुआ बोलो जल्दी से, 81। तो बस 2³ × 3⁴ × 5। इतनी जल्दी कैलकुलेशन करनी भी सीखनी है, यू शुड नॉट हैव टू फाइंड आउट एवरी सिंगल थिंग। डिवाइड करो जितना आसानी से डिवाइड कर सकते हो, जो दिख के हो रहा है। देयर वाज 32, देयर वाज 40, आई कुड सिंपली सी कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो यू हैव टू लर्न टू बी फास्टर अबाउट इट। सो आई हैव टू HCFs, सॉरी ये दो नंबर है, यस। सो HCF इज 36, 36 मीन्स 2² × 3² HCF is 36. So any number, अब 2³ 3 है, 2³ 4 है, 3³ 2 है, 3³ 4 है, yes? So no number can be having more than 2⁴, otherwise HCF will increase. 2⁴ 3 हो जाएगा HCF. तो 2⁴ 2 से ज्यादा जहां भी इसको काट देते हैं पहले तो फटाक से। फिर सेम हियर कि 3³ हो सकता है एंड नंबर में 5 हो सकता है क्या? यस सर, 5 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 3 तो हो सकता है ज्यादा, आई नहीं होगा सर, बिकॉज 3² इज ऑलरेडी देयर। सो 3 तो ज्यादा हो सकता है, सो दिस इज फाइन, बट 3 होना पड़ेगा फॉर HCF टू बी देयर, राइट? इसमें 3 नहीं है, सो वी डोंट इवन नीड LCM, जस्ट यूजिंग द HCF वी कुड फिगर इट आउट। एनी डाउट इन दिस? कबीर पीछे, शिल्पी, मानसी आप पीछे, विकास, विकास नाम है ना आपका, विवेक, हाँ विवेक, राइट? इसमें एलसीएम की एक्चुअली जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, एंड वी कुड फिगर इट आउट यूजिंग द HCF ओनली, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कर लिया था। व्हाट इज द फॉर्मूला इफ यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन? सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। इफ यू हैव टू फाइंड HCF, देन HCF ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। सिंपल, याद भी है सबको अब, ठीक है, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये भी कर लिया था हमने, विल डू ऑल, विल बी एबल टू डू ऑल द सिमिलर क्वेश्चंस, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस शीट आल्सो। वंस वी आर डन दिस विद दिस, आई विल गो थ्रू ऑल द प्रैक्टिस शीट क्वेश्चंस विद यू, जिसके जहां डाउट होंगे वो सॉल्व करेंगे। आई विल हैव 3-4 डाउट सेशंस जिसमें हम वो 180 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसको डाउट है आइए, जिसको डाउट नहीं है मत आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू डू दैट। इन फैक्ट आई वुड से सब आइए, एक रिविजन ही होगा इसी बहाने, बिकॉज यू विल नॉट डू इट ऑन योर ओन, राइट? ये भी कर लेंगे। व्हाट डिड वी डू? वी टुक अ, सॉरी, एलसीएम याद है ना, वी टुक एन एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 54 एंड देन वी एडेड एक, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी निकालना है हमें, हम करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं। सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें भी, याद हो गया ये सब। ये भी कर लिया था हमने, इसमें क्या किया था, देयर वाज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन विच वी हैड टू पेव टाइल्स, सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर, सॉरी स्क्वायर फ्लोर था, इट वॉज अ स्क्वायर फ्लोर, टाइल वॉज रेक्टेंगुलर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर विच कैन बी कंप्लीटली पेव विद टाइल साइज 8x6। तो उसमें हमने क्या किया था कि वी कैन पुट अ टाइल लाइक दिस, सो दिस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 8, और वी कैन पुट अ टाइल लाइक दिस ऑल्सो, सो दिस हैज टू बी एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल, सो दैट एनी वे इधर वे वी हैव टू फिक्स इट। और क्योंकि स्क्वायर है तो ऐसे एक तरह से भी देख सकते हैं कि ये 8 रखा है तो ये भी 6 मैच होना चाहिए, इट्स द सेम थिंग बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, बट अदरवाइज। सो हमें कॉमन फैक्टर चाहिए कोई, या कॉमन मल्टीपल चाहिए, सॉरी, जो 6 का भी मल्टीपल हो और 8 का भी मल्टीपल हो, सो दैट वी हैव पुटिंग थिंग्स एंड वी डोंट हैव टू ब्रेक द टाइल। सो वी नीड अ कॉमन मल्टीपल ऑफ व्हाट, 6 एंड 8, एंड वी आर आस्किंग द स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर, सो दैट मीन्स वी नीड अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि कितना आ जाए एक बार में। इफ इट वाज आस्किंग वन साइज बिगर देन द स्मॉलेस्ट, देन तब क्या करते, स्मॉलेस्ट पूछा है तो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दूं मैं। व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8? 24. सो 24 इज द साइज ऑफ दिस, यस। इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन आस्क्ड, वुड हैव आस्क्ड वन साइज बिगर देन द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्क्वायर साइज दैट इज देयर, क्या करते फिर, वन साइज बिगर देन द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, नेक्स्ट मल्टीपल लेते, we would have taken the next multiple, isn't it? LCM ये एक square 24 का है,
नाउ इफ यू हैव टू पुट अनदर सेट ऑफ टाइल्स, दोबारा से उतना लगेगा कि नहीं लगेगा? सो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 48. यस, सो वी नीड 48. इज देयर एनी अदर मल्टीपल बिफोर 48? एलसीएम इनटू 2 कर दो, राइट? एक और साइज चाहिए तो एलसीएम इनटू 3 हो जाएगा. 10 टाइम्स द साइज चाहिए तो एलसीएम इनटू 10 हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? वन साइज बिगर देन द स्मॉलेस्ट साइज, सो इट इज आस्किंग फॉर द नेक्स्ट साइज, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल. गेटिंग द पॉइंट? डाउट तो नहीं है एवरीवन? ऑनलाइन गाइस, चलिए अब ये क्वेश्चन था जो मिस उस दिन नहीं किया था हमने. किया था कि ये क्वेश्चन हमने? लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द डायमेंशन ऑफ अ फ्लोर आर 18 बाय 24. दिस टाइम द फ्लोर इज लाइक दिस, दिस इज 18, दिस इज 24. व्हाट आर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स? पहले समझिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन. व्हाट आर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स? सो व्हाट डू आई थिंक इन दिस? Forget about HCF, LCM. Smallest number of tiles से क्या मतलब है? The size of the tile should be biggest possible or not? Think like a mason, yeah. I need the biggest possible size of the tile that I can fit here, so that the minimum number of tiles are required, isn't it? Yes. तो कैसे लगेगा? ऐसे भी लग सकता है, एक है ना, बड़ा भी लग सकता है. So how do we figure it out? 18. इसमें एक लगेगी तो इतनी लगे कि 18 का फैक्टर बन जाए. इट कुड बी 2 इंटू 9, कि 9 लग जाए तो 2/2 का लग जाएगा. इट कुड बी 3 इंटू 6, यस, कि बस 3/3 की 6 लगा दूं लाइन से, है ना. और क्या हो सकता है? 1 इंटू 18 भी हो सकता है, बट वो स्क्वायर नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है? 18 की एक लगा दें बट वो 24 में फिट नहीं बैठेगा. सो एक साइड तो हमने ये देखा कि भाई ये हो सकता है, लेट्स से, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू फिक्स ऑल द स्क्वायर्स टू 24 ऑल्सो, यस. सो यहां पे भी 2 इंटू 12 भी हो सकता है. जैसे अगर 9 टाइल ऐसे लगेंगे, 12 टाइल ऐसे लग जाएंगी, ठीक है. देन 4 इंटू 6 भी हो सकता है, राइट? 3 इंटू 6 ऐसे, 4 इंटू 6 ऐसे, 3 टाइल ऐसे, 4 टाइल ऐसे. सो वॉट आर वी डूइंग बेसिकली? वी आर ट्राइंग टू फाइंड कॉमन मल्टीपल, कि कैसे मैं, सॉरी, कॉमन फैक्टर टू फाइंड द बिगेस्ट साइज. यस, सो आई नीड अ कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24, विच विल हेल्प मी फिट द टाइल्स. एंड सिंस दे आर आस्किंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स दैट आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आई नीड द बिगेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द टाइल. सो वी नीड नॉट एनी कॉमन फैक्टर, वी नीड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना बड़ा फैक्टर बन जाए. सो 18 के फैक्टर क्या है? एक सेकेंड रुक जाओ. 1, 2, 3, 6, 9, 18. 24 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4. 4 नहीं बनाएंगे ना, प्राइम बनाते हैं. 6 चलो बना लो, 4 भी, हाँ. 6 HCF बनाने क्योंकि अच्छा हमें तो. 8, 12 एंड 24. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर्स हियर? 6. यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6. So 6 is the size of the tile that I can fit here. तो 3 tile इस form में और 4 tile इस form में बन जाएगा, है ना? So 6/6 का tile, what is the smallest number बताना है हमें, right? तो 6/6 के tile चाहिए मुझे. तो कितने tile चाहिए? 3 ऐसे और 4 ऐसे. 3 lines of 4 each. So 6 is not the answer. Answer is 12. Number of tiles पूछा है, not the size of the tile. If the question was size of the tile, then I would have given 6 as the answer. हाँ जी बोलो अब. 3 into 8 कैसे? तो 18 के साथ कैसे बैठेगा? 18 के क्या आ रहे हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18. 24 के क्या आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. आप क्या कह रहे हो? 8 and 3 मतलब, तो 3/3 की 8 टाइल और 3/6 की 8 टाइल, तो कितनी टाइल हो गई? 6 इधर लग रही हैं, 8 इधर लग रही हैं. 6 into 8, 48 टाइल हो गई, बिल्कुल हो जाएगा. बट मैंने क्या पूछा है?
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे बड़ा साइज निकालूं मैं, अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी पुट, देन आई वुड हैव टेकन वन बाय वन का टाइल, फिर तो कोई बात ही नहीं है. वन सेंटीमीटर या वन इंच कितना है, हाँ वट एवर नंबर इज, वन मीटर बाय वन मीटर का या वन फुट बाय वन फुट का टाइल लगाता मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स के लिए, तो है ना 24 की लाइन ये बनती, 18 की लाइन ये बनती, 18 × 24 वुड हैव बीन द आंसर. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स के लिए स्क्वायर टाइल्स लगानी है मुझे, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है, सो आई नीड द बिगेस्ट पॉसिबल टाइल. बिगेस्ट पॉसिबल टाइल मैं 6 इंच की या 6 फिट की लगा सकता हूँ ऑन द साइड, क्योंकि यहां पे मैं 3 लगाऊंगा 6 × 3 टाइल्स ओवर हियर, और यहां पे मैं 4 लगाऊंगा 6 × 4 टाइल्स ओवर हियर, है ना. सो 3 इधर और 4 इधर, 12 टाइल, 12 इज द आंसर. गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? किसको समझ नहीं आया? यस. सो व्हेनेवर वी हैव टू फिट द बिगेस्ट पॉसिबल टाइल, स्पेशली अ स्क्वायर टाइल एंड ऑल, देन वी नीड द बिगेस्ट पॉसिबल फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर. तो एचसीएफ निकालते हैं ताकि उस बड़ी साइज की टाइल फिट करते हैं. ऐसे ही तो यहां भी करते हैं. आई टोल्ड यू ऑल्सो एचसीएफ का क्या पॉइंट है रियल लाइफ एग्जाम्पल में, यही पॉइंट है. इफ यू हैव टू कट द प्लॉट्स, व्हाट इज द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर प्लॉट्स दैट आई कैन कट इन दिस बिग एरिया, राइट, सो दैट ऑल द प्लॉट्स आर इक्वल, यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ थिंग्स, एंड यू कैन फाइंड, आपका यही काम होगा लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड. स्क्वायर टाइल्स नहीं पूछे तो बड़ा लंबा काम है सर, कैसे करोगे? देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 क्या लोगे? देयर इज नो एंड देयर, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, दैट इज द होल पॉइंट. मेकिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट, वो तो ओपन एंडेड है, कुछ भी लगा लो, है ना. फिर तो मैक्सिमम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ तो एक लगाऊंगा मैं 18/24 की, सिंपल, एक टाइल लगा के खत्म कर दूंगा मैं, है ना, वो बने ना बने. सो दैट, तो रेक्टेंगुलर टाइल्स नहीं पूछेंगे बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर, है ना. इनफाइनाइट तो नहीं, मतलब 18 × 24 टाइप के ऑप्शंस हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे, सो वो नहीं पूछेंगे कभी भी, राइट, दैट्स द पॉइंट. चलिए अब ये क्वेश्चन है, लेट्स सी, पीछे पढ़ पा रहे हैं? आई हैव सम पेन्स, सोचिए पहले, सोचिए पेन चलाने से पहले, लेट्स थिंक. I have some pens which when divided in the group of 3, 4 and 5, or ho gaya ye, and nahi hai, sorry, and ho jata hai to question galat ho jata hai, which when divided in a group of 3, 4 or 5, every time I am left with 2 pens, find the least number of pens with me, find such number which is close to 500, find such number which is close to 1000. सोचिए क्या कह रहा है ये, थिंक एंड टेल मी. मीनवाइल मैं एक बुक मंगा लूं जो मैं लाना भूल गया. थिंक, पहले सोचिए क्या कह रहा है. हेलो यार, एक वो बुक जो सी सेट वाली बुक है, हाँ वो भेज दे जरा, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? 62, आंसर नहीं चाहिए मुझे. What is it saying? Understand the question first. I don't care about the answer. कब पूछा मैंने आंसर आपसे? What is the question saying? Question is saying, I have certain amount of pen, certain number of pen. If I divide them in a group of 3, I am left with 2 pens. Right? For example, एक group बनाया, दो group बनाया, दो रह गए. So I can have 5 pens, I can have 8 pens. पांच बनाएंगे तो एक 3 का group बन गया, दो रह गए. 8 हुए तो 2 3 के ग्रुप बन गए, 2 रह गए. 11 हुए तो 3 3 के ग्रुप बन गए, 2 रह गए. सो इट कुड बी इन दिस लाइंस. और इफ आई डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 4, अगेन आई एम लेफ्ट विद 2 पेंस ओनली. दैट मींस आई कुड हैव 6 पेंस, 4 प्लस 2. आई कुड हैव 10 पेंस, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2. आई कुड हैव 14 पेंस, है ना. सो 4 4 के पेयर में किया तो भी 2 रह गए, 3 3 के पेयर में किया तो भी 2 रह गए, 5-5 के पेयर में किया तो भी 2 रह गए. दैट मीन्स आई मे हैव 7 पेन्स, आई मे हैव 12 पेन्स, आई मे हैव 17 पेन्स. 5 + 2, 5 + 2, 5 + 5 + 2. यस, ये बोल रहे हैं. सो व्हाट डज दिस मीन? दैट चाहे 3x पेयर हो, चाहे 4x पेयर हो, चाहे 5x पेयर हो, ठीक है,
आई एम लेफ्ट विद टू पेन्स ऑलवेज, राइट? तो मतलब तीनों का एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी मैं दो पेन, ये भी प्लस टू में रह जाएगा, ये भी प्लस टू में रह जाएगा, ये भी प्लस टू में रह जाएगा. इट विल ओनली हैपन व्हेन देयर इज अ कॉमन मल्टीपल. यस, तो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल एंड दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू थ्री फोर एंड फाइव? वी शुड नॉट हैव टू थिंक, इट इज 60. सो वंस आई हैव 60 पेन्स, इफ आई डिवाइड देम इनटू थ्री, आई एम डिवाइडिंग, आई एम एबल टू डिवाइड एवरीथिंग, 20 ग्रुप्स बन जाएंगे. If I am dividing into 4, 15 groups ban jayenge. If I am dividing into 5, 12 groups ban jayenge. Right? But every time 2 pens are being left. So, 2 pen aur add karu main isme. So, ab main kaise bhi divide karu, I'll be left with 2 pens. 3 ke pair mein divide karu, 4 ke pair mein divide karu, 5 ke pair mein divide karu. So, the least number of pens can be 62. Yes? Ek bahut bekaar si baat hai, isme bahut trivial si baat hai, but iska answer 2 bhi ho sakta hai. ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. द आंसर कैन बी टू ऑल्सो. नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, आई एम लेफ्ट टू पेन्स ओनली. यस, बिकॉज देयर इज नथिंग टू पेयर, आई एम ओनली लेफ्ट टू पेन्स. ठीक है, सो आई कैन से हाइपोथेटिकली आई एम डिवाइडिंग इन टू अ ग्रुप ऑफ थ्री, बट आई एम लेफ्ट टू पेन्स. आई एम डिवाइडिंग इन टू अ ग्रुप ऑफ फोर, आई एम लेफ्ट टू पेन्स. है कुछ नहीं मेरे पास. आई एम डिवाइडिंग इन टू अ ग्रुप ऑफ फाइव, आई एम लेफ्ट टू पेन्स. सो देयर कैन बी दिस ऑल्सो एज अ आंसर इन सम वेज, बट इट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन दैट आर गिवन. Right? Sensibly, 62 is the answer. Number one. Now, next question to this is, find such number which is close to 500. Ye kaise nikale? Again, I need multiples only. 60 ke pairs mein hi banega pehli baat to. Tabhi main equally divide kar paunga 3 group mein, 4 mein, 5 mein. So it could be 60 plus 60 plus 2. Yeah, 62 plus 62. 60 प्लस 60 प्लस 2, एलसीएम को मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा एंड दो मैं ऐड करता जाऊंगा एंड में, बिकॉज दो एंड में छूट रहे हैं मेरे. यस, सो द नियरेस्ट टू 500 वुड बी 480. सो 482 पेंस नियरेस्ट हुआ, है ना? फाइंड द सच नंबर विच इज क्लोज टू 500, 482 पेंस. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन नाउ? इट इज द सेम क्वेश्चन एज दैट, वन साइज बिगर देन द स्मॉलर साइज. सो दिस टाइम आई एम आस्किंग मच अहेड, है ना? इसका क्या सेकंड थर्ड का क्या आंसर आएगा? व्हाट डू आई फाइंड, व्हाट इज द नंबर बताओ लड़की. समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तू करके दिखाओ फिर फटाफट. व्हाट इज द क्लोजेस्ट दैट यू विल कम टू हियर? 1000 के क्लोजेस्ट क्या आएंगे? 962 आना चाहिए. आई हैव वन आंसर एज 962 पीपल. 962. अनदर पर्सन इज सजेस्टिंग 1022. आपका क्या है मैडम? करके दिखाइए, ऐसे नहीं चलेगा. करिए, मल्टीप्लाई करिए. 9 × 6 कितना होता है? 6 × 9 = 54. तो 540 हो गया. कर, घबरा मत. हाँ जी, कितने लोगों का 962 आया, कितने लोगों का 1022 आया? हाउ मेनी आर 962? सर क्लोज टू, अगर 1000 देखे तो 1022 हो जाएगा. क्लोज टू 1000 देखना है. 962 क्लोजर है 1000 के या 1022 क्लोजर है 1000 के? मैंने ये थोड़ी बोला लोअर देन 1000. 1022 हो जाएगा. 1022 इज ओनली 22 अवे फ्रॉम 1000. 962 इज 38 अवे फ्रॉम 1000. तो क्लोजेस्ट तो 22 वाला हुआ ना. सो 1022 विल बी द आंसर. ठीक है, दैट्स द पॉइंट, राइट? थोड़ा रफ आइडिया दिमाग में होना चाहिए. इफ आई मल्टीप्लाई 60 10 टाइम्स इट 600, 15 टाइम्स इट 900. सो ये फास्ट होगी कैलकुलेशन ऐसे माइंड में. यू कैन नॉट बी चेकिंग 9 से करूं, 10 से करूं, 11 से करूं, 12 से करूं. यस, यू हैव टू कम टू दैट पॉइंट वेयर यू कैन थिंक ऑन द फ्लाई क्विकली. इफ आई मल्टीप्लाई 60 बाय 10 इट इज 600, सो आई एम वेरी फार अवे, राइट? 15 is 900. So the first thing I should try is 16. And then I should try 17. Rather than trying multiple numbers. Easy question. Ab samajh mein aa raha hai? Yes? Chaliye. Haan ji, ye kya hai? Again, think. Tell me first, what is this question asking about?
फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 और 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 बट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 9. व्हाट इज दिस अबाउट? लिखने से पहले समझाओ क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन समझ गए तो कर तो लोगे. किसका एलसीएम ले लें? 5 6 7 8 का. देन प्लस 3 ऐड कर दें. ओके देन एलसीएम क्या है 5 6 7 8 का? सॉरी क्या है एलसीएम 5 6 7 8 का? हाँ क्या है एलसीएम 5 6 7 8 का? 840 पक्का? यस वेरी गुड 840 है. ठीक है. सो फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 5 6 7 8 सो अ कॉमन मल्टीपल लीव्स अ रिमाइंडर 3. पहले वाले क्वेश्चन है. सो द लीस्ट नंबर वुड बी 843 बट इट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 9. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई हैव टू चेक? सो इज दिस द आंसर? दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ओनली. बट उसने बोला है कि ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए. दैट मींस आई हैव टू फाइंड द लिस्ट ऑफ एलसीएम्स प्लस 3 जो 9 से डिवाइड हो जाए एंड दैट विल बी द फर्स्ट नंबर. तो क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डिवीजन बाय 9? सम शुड बी डिविजिबल बाय 9. ये तो 15 है. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9. सो आई कैन सी वेरी क्विकली ये नहीं हो रहा है. नेक्स्ट नंबर देखते हैं. नेक्स्ट नंबर विल बी व्हाट? 1680 प्लस 3 सो 1683. दिस इज 18 डिविजिबल बाय 3. सो दिस इज माय आंसर. अब ये मिक्स होके आने स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन. डिविजिबिलिटी एलसीएम एचसीएफ क्या हुआ मैडम डॉक्टर साहिबा? 9 से डिवाइड क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये सम 18 नहीं बन रहा है? तो 18 अगर इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9 द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. आई डोंट हैव टू चेक इट. करके नहीं देखना है. दिस इज द अप्रोच दैट वी हैव टू लर्न. राइट व्हेनेवर दे आर आस्किंग डिविजिबिलिटी बाय सम नंबर क्विकली दैट principle should come to your mind immediately without having to think twice. That's the point. Sir, 1680 kaisa? 840 ka double. Next LCM. Next common multiple matlab, not LCM. Common multiple pehla 840 hai. 2 aur 3 ka common multiple kya hai? LCM kya hai 2 aur 3 ka? Drumil. 6. So next multiple kya hai 2 aur 3 ka common? 12. कैसे निकाला? सर दोनों का कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल 6 है पहला. दूसरा कौन सा? 9 हाँ. नहीं है. हाँ सर ना 9 थोड़ी ना है कॉमन मल्टीपल. 9 थोड़ी ना है. बिल्कुल सही बात है. 12 है. कैसे आया? हाँ, और थर्ड उसके बाद कौन सा है? सर 18. कैसे निकाल रहे हो ये? सर मल्टीपल लिए दोनों के कॉमन. कैसे लिए? वही तो पूछ रहा हूं. 6 के बाद क्या किया जो 12 आया? इनटू 2 किया. हाँ सर. फिर 18 के लिए क्या किया? अगला पूछो तो क्या आएगा? 36. 24 नहीं आएगा? हाँ सर 24. हाँ फिर 36. अभी 30 नहीं आएगा? हाँ सर 30. हाँ फिर इन्होंने इसने क्या बहस खोली थी जो इन्हें याद नहीं आए? 36 भी आ गया. तो कैसे हो रहा है ये? 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 6? यस सर. है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट मल्टीपल कॉमन आ जाएंगे. तो ऐसे ही 840, 840 इंटू 2, 1680, 840 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 2520. यस सर. राइट? इस तरह से बढ़ता रहेगा. सो हमें वो वाला नंबर तक आना है जो 9 से डिवाइड हो जाए. इफ दिस वॉज नॉट डिविजिबल बाय 9, आई वुड हैव चेक्ड फॉर द नेक्स्ट नंबर. राइट? 25. 20 प्लस 3 25 23. ये भी नहीं हो रहा है. आई वुड हैव चेक फॉर द नेक्स्ट नंबर. जब तक वो नंबर नहीं आ जाता आई वुड हैव चेक्ड इट फॉर दैट नंबर. बट लकीली हमारे लिए सेकंड में ही आ गया. गेटिंग द पॉइंट मंजू श्री? क्लियर पीछे सबको? हाँ जी. नहीं सर, क्योंकि 5 6 7 8 और 9 कैल्शियम लोगे तो सार सबसे डिवाइड हो जाएगा फिर तो कॉमन. हम बोल रहे हैं कि 5 6 7 8 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है.
9 से हो रहा है, जिसके भी आप वो लोगे एलसीएम उन सबसे डिवाइड होगा ना फिर तो वो, यस yes? तो पहले ही बोल रहा है कि 5, 6, 7, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, बट जो फाइनल नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9 का जो रिमाइंडर वो आता है एलसीएम, वो क्या आता, इंटू 3 और कर लो एक बार, 5, 6, 7, 8, 9 का रिमाइंडर आता, ये एलसीएम आता ये शायद 25, 20, बट इससे डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर नहीं बचता किसी में भी, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। चलिए अब ये हुआ तो ये एक बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, तसल्ली से पढ़ो जरा। पीछे तक पढ़ पा रहे हैं? मैथ्स ही है सर, बट द पॉइंट इज कि डरना नहीं है, यू डोंट गेट बैफल्ड कि ये क्या पूछ लिया है, इफ यू रीड इट कंफर्टेबली बहुत इजी क्वेश्चन है। गेटिंग इट? सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, देखने में बस इतना बड़ा है, so you don't have to get baffled, calmly you have to read the question, so it's simply saying there were 7 thieves, they steal diamonds from a diamond merchant and run away in the jungle, while running night sets in and they decide to rest in the jungle, when everybody is sleeping 2 of the best friends get up and decide to distribute the diamond among themselves and run away, so they start distributing but find that 1 diamond was extra, they wake up the third one, divide the diamond again, only to their surprise they find 1 diamond extra, they woke up the fourth one, again 1 diamond extra, fifth one, again 1 diamond extra, sixth one, again 1 diamond extra, it is only when they woke up the seventh one they could divide all the diamonds, same question hai ki nahi hai, so if I divide by 2, 3, 4, 5, 6 I am left with remainder 1, 61, but if I divide into 7 parts it is divisible completely, so 120 plus 1 121, ये भी नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है 7 से डिवाइड, कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो तुम, सो व्हाट डू आई हैव टू डू हियर, ऊपर लिखूंगा तो पहले तो 2, 3, 4, 5, 6 का मुझे एलसीएम चाहिए विच इज 60, एंड एवरी टाइम आई एम डिवाइडिंग 1 इज लेफ्ट, सो द आंसर इज 61, बट व्हेन आई वोक अप द 7th वन आई कुड डिवाइड द एंटायर थिंग, तो 61 हमें देखना है फाइनल नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, जैसे पिछले में 9 से डिवाइड हो रहा था या नहीं, सो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो मैं नेक्स्ट वाला देखूंगा विच विल बी 120 प्लस 1 विच इज 121, ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 51 बचेगा 7 से डिवाइड करके, नहीं हो पाएगा, फिर मैं तीसरा देखूंगा 180 प्लस 1 विच इज 181, ये हो रहा है क्या, 7 × 2 = 14 और 41 बचेगा, नहीं हो रहा है ना, फिर मैं एक और देखूंगा 241, ये हो जाएगा, नहीं होगा, 7 × 21 = 31, 301 ये हो जाएगा, 7 × 28 और 21 बचा, 7 × 21 ये हो गया, सो द आंसर इज 301 डायमंड्स, था सिंपल क्वेश्चन, जस्ट दैट इट इज इंटिमिडेटिंग कि अब ये क्या है, कैसे होगा, क्या डाउट है, हमसे पूछो, पैसे हमें दिए, हाँ सर एलसीएम क्या सर, हम क्योंकि पिछले में 9 का क्यों नहीं लिया था, नहीं फाइंड करना इसलिए नहीं, उस वो तो डिवाइड कर पा रहा है, बाकी सबसे एक सेम वो आ रहा है कि किससे भी डिवाइड करूं एक बचता है, मतलब सबका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए तभी वो डिवाइड होके एक बचेगा हर केस में, बट 7 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो अगर सबका एलसीएम ले लूंगा जैसे भी पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में, उनको भी बताया था मैंने, तो फिर एक बचने वाली कंडीशन नहीं रहेगी किसी भी केस में, दो ही भाग जाते फिर, तो एक फेंक ही देते कि खो गया, 150 ले जाके भाग जाते बेचारे, 7 में डिवाइड किया उन्होंने, है ना, बट वैसे हाँ जी, मतलब सेम क्वेश्चन था, 7 क्यों मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 7 का एलसीएम क्यों नहीं लिया सर, पिछले वाले में डाउट क्यों नहीं आया कि 9 का क्यों नहीं लिया सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो सर लगा कि 7 भी आ जाएगा, हाँ ऐसे ही डर गए हम,
कि लगा कि सेवन भी आ जाएगा, बट पिछले वाले में क्लियर था कि नाइन का क्यों नहीं लिया। यस सर, तो इसी सेम ही तो लॉजिक है कि जब भी हम टू थ्री, सेम ही तो क्वेश्चन है ना यार, कि अगर हम टू थ्री फोर फाइव सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं देन इट लीव्स अ रिमाइंडर वन, बट व्हेन वी डिवाइड बाय सेवन नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। यही तो क्वेश्चन है बिल्कुल, बस वो उतनी फैंसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में था। इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, इसलिए नहीं किया सेवन से। अभी क्लियर, कितने लोगों को डाउट है कि सेवन कैल्सियम क्यों नहीं लिया या नाइन कैल्सियम क्यों नहीं लिया? सब क्लियर है, कर लेंगे ऐसा? चलिए टेस्ट में देखूंगा। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 33 एंड देयर सम इज 528। करने से पहले मुझे बताओ क्या मतलब है क्वेश्चन का, हाउ मेनी सच पेयर एग्जिस्ट? फॉरगेट अबाउट आंसर्स, आई डोंट वांट आंसर्स, आई वांट द कॉन्सेप्ट। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 33, व्हेनेवर वी से एचसीएफ ऑफ टू नंबर और थ्री नंबर इज सम नंबर, व्हाट कैन वी टॉक अबाउट दैट, से अबाउट दैट नंबर और दोज नंबर्स? Can we say that the two numbers whose HCF is 33 will be of the form 33x yes, sir. and 33y? 33 to multiple ho gayi uska, right? It is the highest common factor. It will be a multiple of 33, both the numbers. Baki koi aur factors ho sakte. Can we say this? Everyone? Kisi ko doubt to nahi hai? Peeche madam aapko last mein? Nahi doubt hai? Sir, idhar? Sir, nahi samajh mein aaya. Kya nahi samajh mein aaya? Sir, 33x, 33y kyun nahi aaya? टेन और फिफ्टीन एच सी एफ क्या है द्रुमिल? व्हाट इज द एच सी एफ ऑफ टेन एंड फिफ्टीन? फाइव। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एच सी एफ जिस दो नंबर का फाइव है, तो ये नंबर फाइव इंटू टू है, ये नंबर फाइव इंटू थ्री है? यस सर। है ना, क्यों बोला मैंने, क्योंकि फाइव एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। फाइव से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा, फाइव से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ 20 भी लिख दूं तो क्या एचसीएफ फिर भी फाइव है? यस सर। तो ये फाइव इंटू फोर हो गया। तो एनी नंबर हुज एचसीएफ इज गिवन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एचसीएफ इंटू समथिंग। यस, वही मैंने किया कि अगर 33 किसी का एचसीएफ है, सो द नंबर विल बी 33 टाइम्स समथिंग and another number will be 33 times something else. Is this clear now? Yes, sir. चलिए, so number 33x and 33y ले सकते हैं। ये चीजें समझने की हैं, रटना नहीं है। That's why I keep emphasizing, solve मत करो, समझो पहले हो क्या रहा है। So whenever I have HCF of two numbers, I can take the numbers in this format. HCF into something. HCF into A, HCF into B. Two numbers. तीन लेने हैं, HCF into A, HCF into B, HCF into C. 10 लेने A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ठीक है, एनी नंबर यू कैन से इट लाइक दैट। चलिए, और ये बोल रहा है इसका जो सम है सर, सर नितिन ने ना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया है तो स्क्रीन चली गई है। नितिन ने व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया तो स्क्रीन चली गई है। नितिन भाई व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया है? या सर, चलो बंद कर लिया सर। ठीक है, नितिन ने, नितिन को अपनी गलती का एहसास हुआ, नितिन सॉरी बोल रहा है। ठीक है, हाँ चलिए। सो कैन वी डू दिस? यस, दिस इज द गिवन थिंग, 33x plus 33y is equal to this. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखूं यहां, कैसे लिखा मैंने 16? डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे हर बार। मुझे पता है एंड में 3 से डिवाइड करूंगा, 28 कब आएगा जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा? 8 कब आएगा एंड में? 6 18, और उसके बाद 33 इंटू 10 इज ऑलरेडी 330, 20 कर देता तो 660 हो जाता, तो इधर तो 10 ही आना है। क्विक, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, यू हैव टू विजुलाइज कि 16 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे याद थोड़ी थी टेबल, इट इज जस्ट अ विजुलाइजेशन दैट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, विल पुट यू, विल मेक यू कम देयर कि 33 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड में 8 है तो 6 ही हो सकता है। यस yes? और क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना, लास्ट में 80 आ सकता है जब 6 से मल्टीप्लाई करें, और 20 हो नहीं सकता क्योंकि 660 हो जाएगा, सो 10 ही हो सकता है, इट इज 16। दैट इज हाउ यू हैव टू बी एबल टू विजुलाइज थिंग्स। चलिए, सो x प्लस y 16 है। अब पेयर्स बताने हैं,
राइट एक्स प्लस वाई 16 कब हो सकता है, 1 और 16 हो जाए, सॉरी इमोशनल हो गया मैं ज्यादा अपनी गणित दिखा के, 1 और 15 हो जाए, ठीक है, और क्या हो सकता है, 2 एंड 14 हो सकता है क्या, बट क्यों, एच सी एफ विल बिकम 66, 2 एक कॉमन आ गया, सो ये नहीं हो सकता, सीखना है इसीलिए, सॉल्व नहीं करना है, सीख लोगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी चीजें, सो 2 एंड 14 कैन नॉट बी देयर बिकॉज इफ आई डू 33 इंटू 2 एंड 33 इंटू 14 आई हैव वन मोर 2 कॉमन, देन एच सी एफ विल बिकम 66, इट विल नॉट रिमेन 33, सो वो पॉसिबल ही नहीं है पेयर, गेटिंग द पॉइंट एवरी वन, विवेक जी सो रहे हैं आप, जागिए, ठीक है, राइट, गेटिंग द पॉइंट, देन कम्स 3 एंड 13, सो को प्राइम होने चाहिए बेसिकली, ये भी समझ में आना चाहिए, द टू पेयर्स हैज टू बी को प्राइम बिकॉज इफ दे आर नॉट आई विल हैव वन एक्स्ट्रा फैक्टर विच आई कैन मल्टीप्लाई विद द एचसीएफ एंड द एचसीएफ विल बिकम समथिंग एल्स, आई नीड को प्राइम फैक्टर्स ओनली, ठीक है, तो 3 और 13 भी को प्राइम है, 4 और 12 नहीं हो सकता फिर से, राइट 4 12 काट देते हैं लिख के, 5 एंड 11 हो जाएगा, तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, देन 6 एंड 10 नहीं हो सकता, 6 10 में फिर से 2 एक कॉमन आ रहा है, 7 एंड 9, 8 एंड 8 नहीं हो सकता, और फिर रिपीट हो जाएंगे, सो हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव, 4 पेयर्स ओनली, गेटिंग द पॉइंट, व्हाई आर वी एलिमिनेटिंग द पेयर्स, because it will not meet the criteria of HCF being 33. Every time I have a common factor, additional common factor, mera HCF hi change ho jayega. I am not meeting the criteria given in the question. Samajh mein aaya madam kyun kiya? Nahi aaya. Aap hi ko last mein. Pakka? Theek hai. Piche. Sabko aaya samajh mein? Online guys, did you understand what you have to do? Yes sir. Everyone? Sir. Good. Yes sir. So ye sab dhyan, ye sab logic hai. कूद के सॉल्व करने से नहीं होगा, समझ के होगा, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, शिल्पी आपको समझ में आया, पीछे भाई साहब आपको आ गया, चलिए वेरी गुड, सो वी हैव टू लर्न टू सी थिंग्स, अब ये है क्वेश्चन, लेट्स सी कर पाते हैं कि नहीं, थिंक एंड डू इट, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 13 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20 28, हाउ मेनी सच पेयर एग्जिस्ट, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 13 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20 28, और दोस्तों जो दिल्ली में बैठे हैं क्लास में आ जाओ, बहुत पैसे देके क्लास लिए मैंने, ये खाली पड़ी है पीछे हमारी, वहीं करा लेता है मैं, बेकार में पैसे खराब करवाए तुमने मेरे, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ डू आई डिसाइड द नंबर्स, 13x 13y, इन मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू, यू कैन नॉट टेक कॉमन, एड में कॉमन लेते हैं हम, ये सब ट्रैक में, तो सिंपल डिवाइड करिए, करके देखिए मुझे, कि मैं चलूंगा थोड़ी साथ में, थर्टीन स्क्वायर क्या होता है सर, 3 पेयर्स, 169, 169 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, 3 पेयर सर, कितना आ रहा है इधर, कितना आ रहा है सर, 156, कैसे आ सकते हैं, एंड में 2 नहीं आएगा, एंड में 2 नहीं आएगा क्या, अभी तो सिखाया है, 9 दुनिया 18 ही हो सकता है ना, और तो कोई नंबर नहीं हो सकता ना, और 169 10 टाइम्स के ऊपर निकल जाएगा 20 टाइम्स, विदाउट हैविंग टू पिक अप द पेन, यू कैन सिंपली, यू कुड हैव सिंपली रिटन 12 ओवर हियर, 169 ऐसे ही जा सकता है, एक बार में चमक गया तेरे को, वेरी गुड सर, 1 एंड 12, सो एक्स एंड वाई is going to be 12. Getting the point so far? अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने. अंजलि, समझ में आ रहा है? चलिए, so x y आ गया हमारा. x into y is 12. How many such pairs? HCF of two numbers. 1 or 12 हो सकता है? और? 2 and 6. 2 and 6 हो सकता है क्या? No. Again, फिर से LCM, HCF change हो जाएगा, because 2 common आ जाएगा, 26 हो जाएगा HCF. तो ये pair नहीं हो सकता. 4 and 3. Next will be 3 into 4. Yes. Or we have kuch?
नो और कुछ नहीं है पक्का? तो बस ठीक है, यस। सो दे कैन बी टू पेयर्स, इंटू टू कर लो, डबल हो जाएगा क्योंकि वो पेयर चेंज हो जाएंगे। हाँ बच्चों वाला डाउट कोई बात नहीं, बच्चे ही हो तुम। सर, ये 12 कैसे आया? 2028 डिवाइड बाय 13 कैसे 12 आया? सर कॉमन नहीं ले सकते, थर्टीन डिवाइड तो कर ही सकते हो। क्या ये 13 नीचे चला जाएगा? ये 13 भी नीचे चला जाएगा, उसमें क्या है? 169 सर 2n6 इसलिए नहीं होगा बिकॉज देन इफ आई टेक 2n6 देन माई नंबर इज गोइंग टू बी 13 into 2 एंड 13 into 6, दैट इज 13 into 2 into 3। सो 13 into 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो जो एच सी एफ का कंडीशन दे रखा है 13 वो मीट ही नहीं होगा, एच सी एफ विल बिकम 26। ओके 13 और 13 दो है ना मैडम, एक से क्यों करोगे? 2 13 है ना, क्योंकि वन पेयर बताने हैं, तो एक्स और वाई 13 और 13 into 12 भी हो सकता है, 3 into 13 एंड 13 into 4 भी हो सकता है। बता भाई चार पेयर कैसे हुए? पेयर चार 2 और 4 बोलते हैं इस केस में, वो ऑप्शन में ऐसे ही आएगा आपका, कि बिकॉज दो नंबर ऐसे माने हैं इन्होंने, तो आपका इधर से भी काउंट करते हैं वो उधर से भी काउंट करते हैं, द फर्स्ट नंबर वुड बी दिस, सेकंड नंबर वुड बी दैट, सर इस क्वेश्चन का राइट? ऑप्शन टू बताइए और ना। फोर कैन बी द आंसर, बट टू अगर ऑप्शन में खाली 2 आया है, यू राइट यू पिक 2, 2 और 4 आएगा अदरवाइज ऑप्शन, सो यू राइट 2 और 4। सर कैन और शो टू द एंड फोर अलग अलग आया है, तो ऑप्शन वहां पे ऑप्शन आएगा कि बोथ ए एंड बी, इट सर कुड बी इस टू और क्वेश्चन फोर में डबल, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर सर का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं इसमें। हाँ जी इस तरह क्वेश्चन में जाते सर को प्राइम वाले नंबर ही देखने हैं पेयर में। जी सर, जी सर, क्योंकि को प्राइम नहीं होगा तो एच सी एफ वाला कंडीशन मीट नहीं होगा, एच सी एफ विल बिकम समथिंग एल्स इन दैट केस। तो सर लास्ट क्वेश्चन में 8 पेयर होगी ना? लास्ट क्वेश्चन में 4 और 8 पेयर हो सकता है। चलिए इफ एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 144, ये कंडीशन पता है, एक बेसिक कंडीशन होती है दैट नंबर का प्रोडक्ट n1 into n2 इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एच सी एफ एंड एल सी एम, एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, 3 नंबर के केस में नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एल सी एम एंड एच सी एफ, इट इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ 2 नंबर्स, इफ इट इज फॉर 3 नंबर्स देन दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड, 4 नंबर्स नॉट वैलिड, सिर्फ 2 नंबर के केस में। अगर आपका केस रखा है 2 नंबर का, दैट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 144 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 36, व्हाट इज द अदर नंबर, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? सो 36 इंटू ए इज इक्वल टू 12 इंटू 144, दिस इज एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? 48 48 क्यों करना है जब सामने फॉर्मूला है? एक आसान सा फॉर्मूला याद कर लो, बिल्कुल कर सकते हो, तरीके तो हैं ही करने के, 12x 12y लेके आप एलसीएम से वो कर दोगे, हो जाएगा, लंबा प्रोसेस है, बट एक ही है ये कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इन केस ऑफ 2 नंबर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट आंसर आएगा। कैलेंडर, डेट तो बच गया, करें आगे कैलेंडर का एक आइडिया ले लें थोड़ा सा। नो सर हाँ थक गए, एक काम करते हैं कैलेंडर छोड़ते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं फिर। देर आर जनरली देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच सिंपली आस्क कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है? एक ही फॉर्मूला है, उसमें कुछ नहीं करना है। लेट्स से कोई पूछे आपके पास कि भाई 525 के कितने फैक्टर्स होंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, या 2028 के ही मान लो कितने फैक्टर्स होंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, कैसे निकालें, एक एक करके लिखें, इफ द नंबर इज स्मॉल इट स्टिल ओके,
एंड फैक्टर्स कैन बी एनीथिंग, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, वट एवर नंबर. हाउ डू वी फाइंड दैट? सो इफ वी कैन रिड्यूस दिस नंबर, एंड वी कैन ऑलवेज रिड्यूस द नंबर इन टू एन वन रेस टू पावर ए, एन टू रेस टू पावर बी, एन थ्री रेस टू पावर सी, एंड सो ऑन, वेयर एन वन एन टू एन थ्री आर प्राइम नंबर्स. जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं हर बार, 2 की पावर इतना, 3 की पावर इतना, 4 की पावर इतना, 2 की पावर इतना, 3 की पावर इतना, 5 की पावर इतना, व्हेन वी ब्रिंग डाउन टू द नंबर्स, राइट? सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू बी ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 एंड सो ऑन, वह इतना ही है जो पावर्स में, एंड दीज वेयर एन वन एन टू एन थ्री आर प्राइम. बना रहे मैडम, क्यों नहीं करेंगे सर? फैक्टराइजेशन है बेसिक, सबसे बेसिक पे ले आओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे ले आओगे तो उतना ही है बस. क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से. ठीक है, सो इफ अ नंबर इज पुट इनटू दिस फॉर्मेट, सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं. लेट्स से 12. 12 can be written as 2 square into 3. Yes. That means 2 plus 1 into, sorry, 1 plus 1. Ye 3 ki power 1 hai. That means 3 into 2. That is 6 factors. Kya matlab hua 6 factors ka? 12 ke kya se 6 hai? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. और कोई फैक्टर है क्या? सो 12 विल हैव 6 फैक्टर्स. गेटिंग द पॉइंट? और ट्राई करते हैं. 36 के बताइए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 36 आर देयर? 36 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर. दैट मींस 2 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2, 2 प्लस 1. पावर्स को प्लस करना है, यही गड़बड़ हो जाएगी जल्दीबाजी में, जैसे पीछे मैंने करी थी. 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, है ना? सो 3 इंटू 3 दैट इज 9 फैक्टर्स. बना के देखो, 1, 2, 3, 4, 6, 9 भी होगा, 9, 12, 18, 36, कितने हुए? 9 फैक्टर्स हो गए. यस, ठीक है. हंड्रेड एंड 20 के बताओ कितने फैक्टर्स होंगे? 120 के फैक्टर्स कितने हैं? हंड्रेड एंड 20 के कैसे लिखा? 12 इंटू 10 करोगे, 2 क्यूब, 3 इंटू 5, है ना? तो फैक्टर्स कितने बने? 4 इंटू 2 इंटू 2. 20 कैसे आया सर? 16. जल्दीबाजी में नहीं करना है. 16 फैक्टर बन गए, 16 ही आ रहा है. 16 फैक्टर्स, इजी पीजी. Yes? Yeah, sir, yeah. That is the point. ठीक है, अब एक चीज समझो, 10 के फैक्टर कितने बिना पेन उठाए? 3 कैसे? 2 इंटू 5 हुआ ना, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 4 फैक्टर हुए. 10 कैसे, 3 कैसे हुए? राइट, देन 40 के कितने हुए? 10 इंटू 4, 2 क्यूब इंटू 5, 4 इंटू 2, 8 फैक्टर्स. 60 के कितने हुए? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 2,
कितने हुए? 12। कैल बेसिक मल्टीप्लिकेशन 8, 24, अलग अलग नाम आ रहे हैं, यही गलती होती है। सो व्हाट आर वी सीइंग हियर इज, इसके भी फैक्टर कितने थे? 16। एवरी टाइम व्हेन आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट अ फैक्टर आई एम गेटिंग ओनली इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। यस, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? वी हैव सीन दैट कब, जब हमने 36 का निकाला, राइट? एक बार जरा 16 के फैक्टर्स निकालना। टू रिस्ट 4, 5 फैक्टर्स, तो 16 के आए 5। 25 के फैक्टर निकालना, 3 कैसे? 3, ठीक है। 49 के निकालना, अगेन 3। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट वेन एवर देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओनली इन दैट केस। ऊपर 36 था, 36 के निकाले थे 9 आए थे, 4 के निकालोगे 3 आएंगे, ठीक है। 9 के निकालोगे 3 आएंगे, बाकी 16 25 निकाल लिए हमने, 36 के निकाल लिए हमने। सो वेन एवर देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ओनली देन वी हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, अदरवाइज इन एवरी केस वी हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यों हो रहा है ऐसा? एनीवन? सो बहुत सारे आंसर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे, इफ द नंबर दैट इज आस्क्ड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आई कैन एलिमिनेट द इवन ऑड वंस, इवन आंसर आएगा। इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर आई कैन एलिमिनेट द इवन नंबर्स, ऑड होगा आंसर। क्यों हो रहा है बट ऐसा? एनी आइडिया? एवरी प्राइम नंबर इज कमिंग इवन मल्टीपल एंड वी एडिंग वन, कुछ समझ नहीं आया। इसके क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। यस, इसके क्या है? 6, 12, और भी तो आएगा, 8 भी तो आएगा। और जब हमने 36 क्या देखा, देन 12 या 36, सॉरी, ये 9 आए, यस, या 16 का हमने जब देखा, 16 है, ऐसा है? क्या दिख रहा है इसमें? Whenever we are talking about factors, won't the factor be there in pairs only? तभी तो नंबर बनेगा। There has to be a pair, isn't it? कैसे बोल रहा हूं मैं कि भाई 1 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? या ऊपर देखते हैं पहले, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? या 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, या 3 को 8 से करोगे और 4 को 6 से करोगे? इट हैज टू बी इन पेयर्स ओनली, तभी तो नंबर बनेगा। इसलिए इवन होते हैं फैक्टर्स। बट परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या हो रहा है? 2 को 18 से किया, 3 को 12 से किया, 4 को 9 से किया, 6 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप, तभी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 के केस में 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी परफेक्ट स्क्वायर है। एंड दैट इज वाई वी हैव वन फैक्टर देयर, वन लेस फैक्टर। सो ओनली इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स यू विल हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इन एवरी अदर केस यू विल हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। यस, गेटिंग द पॉइंट? चलिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टेल मी हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर, देन व्हाट विल यू डू? लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन कि एट्टी के टेल मी ऑड फैक्टर्स कैसे निकालें, ओनली द ऑड ऑड फैक्टर्स, 80 के फैक्टर्स कैसे करें? 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5, यस, टेल मी हाउ डू आई फाइंड फैक्टर्स?
वन एंड फाइव ब्रेक कर दिया, वन एंड फाइव ओनली, कैसे निकाला मैंने? सो ब्रेक कर दिया प्राइम में. एवरी टाइम आई यूज दिस विच इज द इवन नंबर टू, राइट, आई विल मल्टीप्लाई इट विद एनी ऑड नंबर, इट विल बिकम इवन इन द एंड, राइट. तो एनी फैक्टर दैट आई एम कैलकुलेटिंग यूजिंग दीज ऑड इवन नंबर्स, वो सब इवन बन जाएंगे ऑटोमेटिकली. किसी की चीज को भी मैं दो से मल्टीप्लाई करूंगा, वो इवन बन जाएगा, बट ओनली वेन ऑड मल्टीप्लाइज विद ईच अदर, देन द नंबर विल रिमेन ऑड. यस, तो ये तो एक सिंपल बन गया. कोई और बनाते हैं, 36 ही ले लो चलो, ठीक है. या 36 इंटू 5 कितना होगा? 180, 180 का निकालते हैं. तो दिस टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर इंटू 5. यस यस, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 3 3 9 और 9 2 18. सो 18 फैक्टर्स हैं इन टोटल, तो ये पता चल रहा है. बट आई वांट ओनली ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स. इफ आई रिमूव द इवन पार्ट विच इज 2, 2 ही होगा, बाकी सब तो ऑड ही आएंगे, प्राइम नंबर्स ले रहे हैं हम क्योंकि, राइट. एंड आई कंसिडर ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, दैट इज ठीक है 3 into 2 विच इज 6, क्योंकि आई एम मल्टीप्लाइंग ऑड्स अमंग ईच अदर, आई विल ऑलवेज गेट एन ऑड आउटकम. तो ऑल द फैक्टर्स दैट कम आउट व्हेन आई मल्टीप्लाई ओनली दिस टुगेदर, आई विल गेट ऑड फैक्टर्स. तो ओनली 6 ऑड फैक्टर्स आउट ऑफ द 18 विल बी देयर. तो बस 2 वाले फैक्टर को हटा दो, बाकी सब में सेम फॉर्मूला लगा दो, आपके पास जो आएगा नंबर वो ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे. नहीं आया समझ में? बेसिकली सर, एक्सक्यूज मी, यस सर, सो बेसिकली वी हैव टू चेक जो जो ऑड नंबर है उनकी पावर्स चेक करके फैक्टर्स ऑड आ जाएंगे ना. बस बस एग्जैक्टली, इनको तो देखना ही नहीं है ना सर. 2 को हटा दो, बाकी सब को ले लो, क्योंकि बाकी सब ऑड ही रहेंगे. 2 3 5 7 11 ऐसे तो करेंगे ना हम. बस 2 वाले के नंबर्स हटा दो और बाकी सब में सेम फॉर्मूला चलने दो, जो बचेगा वो ऑड नंबर और फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है. अगर इवन पूछे तो क्या करेंगे? ऑड निकाल के टोटल में से माइनस ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट, बिकॉज देयर बी देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स. अगर बड़ा नंबर है तो ऑड निकालिए, टोटल से माइनस कर दीजिए. सो इन दिस केस इवन फैक्टर्स ऑफ 180 वुड बी 18 माइनस 6, दैट इज 12. सिंपल, गेटिंग द पॉइंट? ऑड फैक्टर्स कैसे निकाले मैंने, अब देख लो इसके ऑड फैक्टर्स निकालने भी हैं तो. 36 कितने बने? 18 फैक्टर बनने हैं. 1 2 3 4 6 9 12, फिर 36, 18 भी आ जाएगा इसका तो. सर 5 भी आएगा ना? 5 भी आएगा, हाँ जी सर, 5 6 18, और कौन सा आएगा? 15 भी आएगा, बिल्कुल सही बात है सर. 18 एंड 10 भी आना ही था, 10 क्यों नहीं लिखा हमने. 20 भी आ जाएगा, ठीक है. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वी आर क्लोज, 6 और रह गए बस. 20 के बाद 30 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, फिर 4 और रह गए. 60 और 180 तो है ही, 90 भी है और 36 भी है. चलो हो गए ना 18 फैक्टर्स, राइट. अब इसमें अगर इवन देखने हैं, ऑड देखने हैं, तो कौन कौन से ऑड हैं? 1 2 3 4, 1 ऑल्सो, 5 और एक और है कहीं, कुछ मिस हुआ है. 45 भी तो बनेगा ना, हाँ एक मिस हुआ है ना हमारा, वेरी गुड. तो 45 भी एक है. सो 6 ऑड फैक्टर्स आ गए, बाकी सब इवन फैक्टर्स हैं, राइट. सो ऑल वी डिड इज जो 2 के हैं वैल्यू उसको हटा दो, बाकी सब में सेम फॉर्मूला लगा के जो निकलेगा वो फैक्टर्स हो जाएंगे. गेटिंग इट? यस, इट इज एज सिंपल एज दैट. चलिए, जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है. तो वो छोटे नंबर्स होंगे, यू विल हैव टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल.
सो दिस इज अ क्विक वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि कितने नंबर हैं, अदरवाइज वो लिखने में कहीं कोई मिस ना हो जाए. सो यू कैन क्रॉस वेरीफाई, देन यू एड इट अप. राइट, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50 या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100. सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 50, क्विकली टू लिस्ट इट डाउन. छोटे नंबर ही होंगे इस केस में, यू सम इट अप. ठीक है, प्रोडक्ट में यू मल्टीप्लाई. इट इज दैट, दैट इज ओनली वे आउट. सिंपल तरीका है ये. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है. लेट्स से कि अगर एन हैज, वाओ, एन हैज 16 फैक्टर्स, तो एन स्क्वायर के फैक्टर कितने होंगे? इफ एन हैज 16 फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स विल एन स्क्वायर हैव? लेट्स सी क्या करेंगे इसमें. इफ एन हैज, सोचो पहले, करने से पहले सोचने का. इफ एन हैज दीज मेनी फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स विल एन स्क्वायर हैव? प्लस वन कैसे कर दोगे? फोर अगर है, फोर के कितने फैक्टर हैं? तीन. तो 16 जो फोर स्क्वायर है, इसके कितने फैक्टर होंगे? फोर को क्या लिखा हमने? टू स्क्वायर. और इसको लिखा हमने टू स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज टू रेस टू पावर फोर. तो जहां इसमें तीन थे, इसमें तो पांच हैं. प्लस वन तो नहीं हुआ पहली बात, बट ये हमने परफेक्ट स्क्वायर का लिया है. एक नॉर्मल का लेते हैं जहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेट्स से 15, 15 के फैक्टर कितने हैं? एक तो नहीं लोगे ऑब्वियसली, गड़बड़ हो जाएगी. 3 × 5, ठीक है, तो चार फैक्टर है. 1, 3, 5, 15. अब 15 स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, तो इट इज 3² × 5² ठीक है, तो 9 फैक्टर्स हो गए. प्लस वन थोड़ी हुआ कुछ, तो कैसे करें? स्क्वायर का प्लस वन हो रहा है. ये स्क्वायर का प्लस वन कैसे हो रहा है मैडम? इंटू टू का प्लस वन हो रहा है. हाँ, स्क्वायर का प्लस वन नहीं हो रहा है, बट क्या ये वैलिड है बाकी चीज के केस में भी? फोर्टी एट के केस में वैलिड है क्या? देखें 48 का क्या केस है, बनाइए. लेट अस सी. नहीं है ना वैलिड, हो गया. अब फैक्टर यस, एनीवन, एनी आइडिया? सोचिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं. फिर ऑड नंबर होगा. ऑड नंबर तो होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, बट फिर एनी अदर आइडिया? ऑप्शन से करोगे तो हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि वही ऑड इवन का लग जाएगा कॉन्सेप्ट. बट कॉन्सेप्ट क्या लगाए? ऑप्शंस इसमें जो है, रफ आइडिया देने के लिए बता देता हूं. 32, 40, 45, 48. सो यू नो द आंसर इज 45, बिकॉज इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ऑड होगा. इट इज दैट सिंपल, यू डोंट इवन हैव टू पिक अप अ पेन. सो क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी विल मेक अ क्वेश्चन जो जल्दी हो जाए, बट व्हाट डू वी डू इज द पॉइंट. कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली क्या करें? सोलह किस केस में हो सकता है फैक्टर? सोलह कैन बी इन व्हाट केस? सोलह फैक्टर 2 × 8 सोलह हो सकता है. और क्या सोलह होता है? 4 × 4 सोलह होता है. और कुछ सोलह होता है क्या?
देर इज नथिंग एल्स विच इज 16, 1 इंटू 16, ठीक है 1 इंटू 16 नहीं ले सकते ना, पावर जीरो कैसे लोगे फैक्टर्स वाइज, सो दैट मीन्स आइदर देर इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ ए रेज़ टू द पावर 7 एंड बी, और देर इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ ए रेज़ टू द पावर एंड बी ए रेज़ टू द पावर 3 एंड बी रेज़ टू द पावर 3, समथिंग लाइक दैट. हिंट दिया मैंने, करके लाना, कल की क्लास में देखेंगे. लेट्स सी इफ यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम हियर. इफ n has 16 factors, how many factors will n square have? If n has 16 factors, how many factors will n square have? है सर, 2 × 8 कैसे बनेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाने के लिए 1 + 1 एंड 7 + 1 होगा ना, तो a की पावर 7 होगी तभी 7 + 1 किया, b की पावर 1 होगी इसलिए 1 + 1 किया, और या ये 3 + 1 एंड 3 + 1 होगा. गेटिंग द पॉइंट? आई समझ में कबीर क्या किया हमने? तो अब अगर स्क्वायर करेंगे, सोच के आइए, लेट्स सी एंड वील मीट एट 3 PM फॉर इकोनॉमिक्स. हाँ जी, कैसे ऐड कर लेंगे एन स्क्वायर के सेंस में, करके आइए, सोच के आइए, कल की क्लास में देखेंगे. लेट्स सी इफ यू कैन फिगर समथिंग आउट. ठीक है, एंड 3 बजे फिर इकोनॉमिक्स में मिलते हैं. वील सी, गो होम एंड चेक. सोचिए, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, 32, 40, 45. ऑप्शंस के हिसाब से आंसर निकालना ही पड़ेगा आपको, राइट? कैसे होगा सर एबीसी? 16 के कैसे फैक्टर बनेंगे? हाँ, 2 × 2 × 4 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 कैसे? हाँ, तो वो 2 × 2 × 4 हो गया ना, ठीक है, 2 × 2 × 4 भी ले सकते हैं. तो क्या करेंगे बताना है? 3 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. इट कुड बी 2 × 2 × 4 ऑल्सो. यस, हाँ जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो मुझे ही पता है स्क्वायर हो जाएगा. किसका स्क्वायर हो जाएगा? 16 का 45 हो गया आंसर, स्क्वायर कैसे हो गया? पैटर्न नहीं पूछा मैंने, मैं सोच के और कैसे करेंगे इसको. चलिए कल मिलेंगे. ऑलराइट.